हेलो आदाब, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्रिकेट एपिसोड में आप सबको मेरी चैनल अपान एक्शन पे खुश आमद है। दोस्तों, बैड लक फॉर इंडिया और कॉन्ग्रेचुलेशन ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत चुका है और इंडिया के लिए बहुत बहुत अफसोस के बाद, जो मेरे दिल से, क्योंकि मैं खुद इंडिया को सपोर्ट कर रहा था और हमेशा करता रहूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। एक चैंपियन टीम था, चैंपियन की तरह खेला, चैंपियन की तरह एंड में जाके वो थोड़ी सी वो क्या कहते हैं, बैटिंग लैंड जो था वो खराब हो गई, कोई भी विकेट पे ना रुक सका। ऑस्ट्रेलिया ने कमाल की खेला और कमाल की बॉलिंग की, जबरदस्त बॉलिंग की, टॉस जीता, डायरेक्टली वो अपनी जो स्टेंट अपनी टिंकिंग था वो उसको देके और इंडिया को पहले बैटिंग के लिए बुलाया। मेरी तरफ से जितनी भी इंडियन है वो मुझे पता है बहुत दुख के साथ, वो बहुत अफसरदा है और बहुत वो क्या कहते हैं, जब एक मैच आते हैं वो भी वर्ल्ड कप की फाइनल की मैच, और वो बहुत उदास होते हैं और वो परेशान उत्साहित होते हैं। तो वीडियो है, मैं चाहता हूँ मेरी अपनी जो कहता हूं कि इंडिया बहुत अच्छा खेला, इंडिया ने आवाम को चाहिए अपनी टीम को सपोर्ट करें, कुछ चीजें वो अच्छी नहीं खेला, तो बाद में बात करेंगे, वीडियो देखते हैं। हे भगवान, हिंदुस्तान के फैंस को हिम्मत देना, उन्हें शक्ति देना कि आज सोमवार को अपने डेली का काम करने की हिम्मत जुटा पाए, जनता ऑफिस जा पाए, बच्चे स्कूल और कॉलेज जा पाए, क्योंकि दुख दर्द पीड़ा में डूब गए हैं भारतीय क्रिकेट फैंस, और इस दुख की वजह क्या है वो बताने की जरूरत तो शायद है नहीं। जिस 19 नवंबर की शाम को हम एक्सटेंडेड दीपावली मनाने का मूड बनाकर बैठे थे, उसी शाम ऑस्ट्रेलिया ने गिरा दिया अपने छठे वर्ल्ड खिताब का बम। इस साल ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखकर कभी नहीं लगा कि वो इंडिया को फाइनल में हरा पाएगी। अरे एक समय तो अफगानिस्तान ने उनका बैकअप ऑलमोस्ट कर दिया था, मगर मैक्सवेल की उस 201 रनों की पारी ने जैसे टूर्नामेंट में मरे हुए ऑस्ट्रेलिया को अंडरटेकर माफिक दोबारा जिंदा कर दिया, और इस अंडरटेकर ने फाइनल में आकर इंडिया का गेम बजा डाला। तो कहां हुई इंडिया से चूक और कहां फिसली हमसे एक बार फिर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हमारे हाथ से, इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। गलती नंबर एक कि भैया चौके छक्के ही नहीं पड़े, गलत किया। 11 से 27 ओवर के बीच सिर्फ एक चौका, यह आंकड़ा आपको चौंका सकता है। भारतीय बल्लेबाज पहले पावर प्ले के बाद एक चौका लगाने के लिए तरस गए। भारतीय बैटर्स कोहली और राहुल के बल्ले से लग रही गेंद बाउंड्री पार ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने बाउंड्री की पेट्रोलिंग खूब शानदार ढंग से करी। वनडे वर्ल्ड कप में आजकल के क्रिकेट के हिसाब से 13 चौके मारकर फाइनल जीतने का कारनामा करना कितना मुश्किल है, कल पूरे देश को पता चल गया। गलती नंबर टू, राहुल की सुपर स्लो बैटिंग, 107 गेंदों पर 66 रन, बहुत इंपॉर्टेंट पारी थी लेकिन काफी स्लो थी। थोड़ा अगर वो और तेज मारते और कॉन्फिडेंस थोड़ा आगे आने वाले बल्लेबाजों को मिलता तो खरबूजे को देखकर रन बदल सकता था, लेकिन उनकी पारी स्लो थी। हालांकि इसको गलती नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ फिर भी उनको और कोहली को थोड़ा सा इतना भी बच के नहीं खेलना चाहिए था। कमेंट्री बॉक्स में सुनील गावस्कर थे और उनका भी बार बार यही कहना था कि भैया इतना बचकर कहीं खेल रहे, बीच में कुछ कुछ तो शॉट मारो, है मतलब एक को बाउंड्री के पार गेंद नहीं पहुंचा पा रहे हो। तो खाली यहाँ पर केएल राहुल का हालांकि नाम नहीं आना चाहिए था, बाकी के खिलाड़ी भी, अगर आप रविंद्र जडेजा को देख ले, सूर्य कुमार यादव को देख ले, खैर उनके बारे में आगे भी जरूर बात करेंगे, लेकिन जितने भी बैटर्स थे रोहित शर्मा के आउट होने के बाद उनकी स्लो खेलने की वजह से थोड़ा सा ना हमारा कॉन्फिडेंस भी लूज हो गया कि भैया ये पिच खेलने लायक टाइप की। खैर ये भी एक गलती थी। अगली गलती की तरफ बढ़ते हैं, सूर्य की जगह जड्डू को क्यों भेज दिया पहले बैटिंग करने? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में जब विराट का विकेट गिरा क्राउड को लगा कि अब सूर्य आएगा, मगर टीम मैनेजमेंट ने आरजे बोले तो रविंद्र जडेजा को बैटिंग के लिए उतारा। यहीं पर एक भारी मिस्टेक भी हो गया कुछ लोगों के हिसाब, जडेजा को ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने आते ही बांध दिया, 22 गेंदों में सिर्फ 9 रन बना पाए, जिसकी वजह से मिडिल ओवर्स में रन रेट और गिर गया। अगली गलती, हेड को आउट न कर पाना। भैया जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आई, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो या वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल, इंडिया के सामने ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने मानो ठान रखा है कि कोई रन बनाए ना बनाए वो जरूर बनाएंगे। टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में 174 गेंदों पर 163 बनाने वाले हेड ने इंडिया को हेडेक दिया, अब फिर से उसी हेड ने वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में फिर से टीम इंडिया और इंडियन फैंस को सिर में दर्द दे दिया। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते। अगली गलती, फील्डिंग में फुस। जी हाँ, हमने बहुत खराब फील्डिंग की भाई साहब, लेकिन जब फाइनल मैच में लो स्कोरिंग हो जाता है तो फील्डिंग से जीता जा सकता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने किया। पहले बैटिंग करते हुए इंडिया बना पाए 240, जिसमें करीब 30-40 रन कम थे, क्योंकि उन्होंने फील्डिंग में ही उतने रन बचा दिए थे, पूरी जान झोंक दी थी।
जी हाँ, कम से कम ऑस्ट्रेलिया ने फील्ड पर इतने रन रोके, जबकि इंडिया ने क्या किया, पहले ओवर में 3 चौके खा लिए। ऑस्ट्रेलिया ने जहां कम से कम 10 चौके रोके, वहीं इंडिया के फील्डर्स को चौके रोकने का तो चांस ही नहीं मिला, या ये कहें कि फील्डर्स सही जगह पर मौजूद ही नहीं थे। कई बार तो स्लिप में भी ऐसा लगा कि अगर राइट जगह पर स्लिप लगी होती तो 2 इंपॉर्टेंट प्रेशर गिर सकते थे। मेरे चाचा की मूंछ होती तो मैं उन्हें चाची कहता, ये तो वही बात होगी, है कि नहीं। तो इन गलतियों की वजह से इंडिया ने फाइनल में मैच गंवाया, लेकिन इन गलतियों के बारे में या फिर भारत क्यों हारा या ऑस्ट्रेलिया क्यों जीता, आगे हम लोग और जो वीडियोस बनाएंगे ना तो उसमें डिटेल में जरूर बताएंगे। अच्छा दोस्तों, ये चीज होती है एक मैच जीतने के लिए फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया ने की, लैंड ऑन लाइन बॉल कर रहा था, विकेट लेने की कोशिश कर रहा था और रन ना देने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद फील्डिंग तबाखुन, इतनी जबरदस्त की फील्डिंग कर रहा था ऑस्ट्रेलिया ने। उसके बाद जब इंडियन आए बैटिंग कर लिए, शुभमन गिल की खराब शॉट्स, सब कुछ खराब कर दिए। उस टाइम पे जो रोहित शर्मा हिट की कोशिश कर रहा था, आप सिंगल ले उसको जाने दे, वो हिट कर रहे हैं, आपको नहीं चाहिए थे उसको कि वो ऐसी शॉट के लिए। जब विकेट गिरता है तो प्रेशर तो आता है। उसके बाद विराट कोहली आया, फिर उसके बाद फिर भी रोहित शर्मा ने अपनी खेल जारी रखा, मगर उसके बाद रोहित शर्मा जब आउट हुए बस सब कुछ खलास। फिर विकेट राहुल आया, वो टेस्ट मैच स्टार्ट की तो वो समझ रहे थे कि बॉल बहुत ज्यादा स्विंग हो रही है और बैट में नहीं आ रही, वो कोशिश करे सिंगल ले, सिंगल नहीं ले सकते थे तो इसलिए वो मैच थोड़ी थोड़ी चले गए, बस विकेट गिरा और स्कोर जो था वो दम से गया। 240 रन कुछ भी नहीं है इस तरह की बॉलिंग, मगर मुझे यकीन था बुमराह और शमी की बॉलिंग जो देखा, मैंने कहा ये दोनों कुछ करेगी। जब मैच स्टार्ट हुआ, बुमराह के पहली गेंद पे जब स्लिप पे कैच जाया गया तो उस पर ट्राई करना चाहिए थे। अगर कैच भी ज्यादा सख्त था तो उसको चौका को रोकना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पे प्रेशर, ऑस्ट्रेलिया तो गेम खेल रहा था, वो स्लो नहीं खेल रहा था, वो शॉटें लगा रहा था। उसके बाद फिर से बॉल की उसको आउट किया, जबरदस्त शमी की गेंद पे जो स्लिप में आउट हुआ डेविड वार्नर। मैंने कहा अब मजा आया, अब मुझे 10 ओवर में 3 विकेट चाहिए थे। जब 3 विकेट गए मैंने कहा आज बस इंडिया जीतेगा, बस मुझे सेलिब्रेट करनी है, मुझे वीडियो बनानी है, मुझे सारे इंडियन अवाम के साथ अपनी खुशी इजहार करनी है, मगर हेड ने हाकर सब कुछ उलट पुलट कर दिया। उसके बाद इंडियन की कोई बॉलर नहीं चला, जितनी भी कुलदीप यादव कहो कि वो जितनी भी कोशिश की, लैंड पे लैंड, मगर वो हेड ने इतनी चक्के और चौके मार रहा था। कोई बुरी बॉलिंग नहीं की इंडियन ने, कोई बुरी बॉल, वो तो लैंड से भी वो बॉल को उठा उठा के चक्के मार रहा था। तो इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ने काफी जबरदस्त खेला और जो खेलता है वही जीतता है। तो आपको चाहिए अपने खिलाड़ी को सपोर्ट करें और ये सोशल मीडिया पे गाली झूना ये चीजें ना करें, क्योंकि पहले भी मैंने कहा ये हीरोज है, अभी तक चैंपियन की तरह खेला, बस लॉस में कुछ गलतियां हुआ इसलिए हारा। ये भी दुख से मैंने रोहित शर्मा की आंखों में हंसू देखा, मैंने विराट कोहली के हंसू में हंसू देखा, उसकी आंखें नम था। तो ये वो क्या, सिराज तो बिल्कुल अपने आप पे काबू नहीं रखा, वो रो रहे थे। तो ये चीजें अपने जहन में रख के अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करे, क्योंकि वो भी इंसान है। अच्छा, वीडियो कैसा लगा तो जरूर अपना राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमेशा की तरह अपना ख्याल रखें।